हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। ये वीडियो क्लास टेंथ के लिए है जो कि उसकी किताब में शामिल है। तो ये वीडियो जो है वीडियो नंबर 7 है जी। ओके, इससे पहले 6 वीडियो यानी कि लेसन 6 तक डाल चुका हूँ और ये दरक्षा की किताब का है। ओके, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और ये सबसे पहले मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कि जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर लेसन से, पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पूरा कराऊंगा। तो आप इसको कॉपी पर नोट करते जाइए, एक लिखते जाइए, आंसर के साथ लिखते जाइए, ताकि आपको लिखने भी आ जाएगा, राइटिंग भी सुधर जाएगी। ओके, इमला में जो गलती होती है वो भी सही हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि 1855 में सर सैयद किस ओहदा पर तरक्की पाकर बिजनौर गए थे। तो कहने का मतलब है इस लेसन से, रिया जो लेसन है सर सैयद अहमद खां की जो लिखी हुई है, तो इस लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सबको निचोड़ इसमें मैं शामिल किया हूँ और ये सबको मैं निचोड़ करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि इतना गहराई से तो नहीं आएगा, लेकिन अब आपका एग्जाम पूरा ऑब्जेक्टिव बेस हो रहा है, 50% जो ऑब्जेक्टिव बेस हो गया तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। ओके, इसलिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है और अभी आपका शुरुआत है तो पूरा पढ़िए। ओके, तो सबसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, सदा में। नेक्स्ट यहां देखिए, सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया। तो दूसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 1867 में। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसको उर्दू पढ़ने में परेशानी होती है और मेरे पास कमेंट भी करते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको नोट कीजिए। आप ये क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट कीजिए, बार बार उसको पढ़िए लिखिए, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको पढ़ने लिखने जरूर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अलीफ नहीं समझ रहे हो, बा नहीं, पा नहीं समझ रहे हो, सब समझ रहे हो लेकिन पढ़ने नहीं आ रहा। ओके, तो तीसरा सवाल देखिए, आपने निसाबी किताब अब का नाम क्या है। तो आपके निसाबी किताब अब का नाम क्या है, तो यहाँ पे 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दरक्षा उर्दू। जाहिर सी बात है आपकी दरक्षा किताब का नाम, इसलिए यहाँ पे दे दिया दरक्षा उर्दू। चलिए, तो चौथा सवाल यहाँ पे देखिए क्या होता है, सर सैयद कहाँ मदफून हुए, मतलब कहाँ दफन किए गए उनको जब उनके इंतकाल हुआ था। तो 4 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। ओके, पाँचवा सवाल देखिए, 1857 के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आलमी शख्सियत कौन थी, इल्मी शख्सियत कौन थी। तो 5 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सर सैयद। ओके, नेक्स्ट, 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे। ओके, तो छठा का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, बिजनौर। नेक्स्ट ऐसा सवाल है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया है। तो 7 का जो है आंसर होगा तहजीबुल इखलाक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, तहजीबुल इखलाक। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब हार्ड हार्ड वर्ड आ रहा है, अगर आप इसको लिखना शुरू कर देंगे तो सब हार्ड वर्ड जो है इजी लगने लगेगा आपको। इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है, तारीख मतलब हिस्ट्री उसके मौजू पर। तो 8 का यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, तारीख जिला बिजनौर, तारीख जिला बिजनौर एक किताब लिखी उन्होंने जो हिस्ट्री पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे 9वां सवाल देखें, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। तो 9 का जो यहाँ पे आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। जाहिर सी बात असबाब बगावत हिंद, तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर लगा दे रहे टिक आउट, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर से दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा सवाल पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन है, यानी कि जो किताब लिखा हुआ है कौन सी किताब है जो सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई है। तो 10 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन है बी, आसारुल सनायद, आसारुल सनादीद, सॉरी आसारुल सनादीद। नेक्स्ट 11 सवाल है, सर सैयद के रफका में ये शामिल नहीं है, कौन है जो सर सैयद के रफका में ये शामिल नहीं है। तो 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अकबर आला आबादी। ओके, नेक्स्ट 12वां सवाल देखिए, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन, ये किताब का नाम हयात जावेद। ओके, उसके मुसन्निफ कौन है, तो जाहिर सी बात हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो वही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हाली, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आंसर हाली होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ओके, नेक्स्ट है, हयात जावेद किसकी सिवाने है, सिवाने मतलब होता जीवनी होता है। ओके, तो 13 का जो है आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सैयद की सवाने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल देखिए, हयात जावेद ये किताब है, इसको लिखी किसने, हाली ने लिखी। ओके, और किसके बारे में लिखी है, किसकी सिवाने हयात है, सिवाने का मतलब जीवनी होता है।
आत्मकथा जिसको बोलते हैं, तो वो है सर सैयद अहमद खां की। समझ गए। 14 नंबर सवाल देखें, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब किताब में शामिल है। यहाँ पे देखते हैं, जहाँ मैं जो टिक जो लगाया हूँ, ये सब 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैं गेस किया था और बहुत सारा क्वेश्चन लड़ रहा था। तो आपको अभी स्टार्टिंग से पूरा सवाल पढ़ना है, फिर तो मैं गेस तो फिर मैं आपको दूंगा ही। तो 14 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रेहा होगा। 15वां सवाल देखें, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार आता है, इस बार भी आया था। तो 15 का यहाँ पर आंसर होगा अजीजुन्निसा बेगम। तो मेरे ख्याल से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो भूलने की कोई चांस ही नहीं बचेगा। दर्जेल में से सर सैयद की तसनीफ कौन सी है, यानी इनमें से कौन है जो सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी, असबाब बगावत हिंद। ओके, नेक्स्ट 17 सवाल है, जो भी ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो 17 का यहाँ पर आंसर होगा 1817 में, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली, ये भी आई थिंक आप पढ़ते आते बार बार, सुनते भी आते कि अलीगढ़ कॉलेज जो है उसकी बुनियाद किसने डाली। तो 18 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने। 19वां सवाल है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ग्रेट किसने निकाला। ओके, तो यहाँ पे 19 का जो आंसर होगा सर सैयद, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। जहाँ पे अलीगढ़ का नाम आ जाएगा आपकी किताब में, आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे ज़्यादा करके अलीगढ़ यहाँ पे सर सैयद अहमद खां का ही नाम आएगा, क्योंकि आपकी किताब में यही एक लिमिटेड है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। रेया के मजमून निगार कौन, देखिए कितना ईजी सवाल है। रेया जो अभी लेसन पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात सर सैयद अहमद खां की लिखी हुई किताब है। ओके, 20वां सवाल देखिए, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई। तो आपको पता है कहाँ मदफन किया गया उसको, लेकिन वफ़ात कब हुई, पैदाइश के बारे में बताया था 1817 में, लेकिन अब वफ़ात भी याद रखना आपको। ओके, तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1898 में। चलिए अब मैं ज़्यादा नहीं, 26 सवाल आ रहा है, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है। 26वां सवाल तक लास्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम। देखिए फिर से दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन गया है। सर सैयद की वालिद का नाम क्या है, वालिद का नाम बोल रहा है, तो यहाँ पे 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मीर मुत्तकी। ओके, मीर मुत्तकी। नेक्स्ट है 24वां सवाल है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला। गजट किसने निकाला, तो 24 का यहाँ पे फिर से ऑप्शन वो रिपीट हो गया सवाल, ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने। 25वां सवाल है, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुए, कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ, उनकी वालिदा का नाम क्या है, उनकी वालिद का नाम क्या है, ये सारा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो 25 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी। और ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, नासिह का मतलब क्या होता है। 26 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नसीहत करने वाला। देखिए यहाँ पे नीचे आंसर भी दिया हुआ है, अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ये जो चैनल का नाम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, तो आप जो है टेलीग्राम एक ऐप आता है, टेलीग्राम नाम का एक ऐप आता है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ओके, वो खास करके आपके लिए बनाया गया चैनल, और वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं इसकी इस वीडियो का लिंक भेजूंगा और जितना सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा का PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट भी कीजिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।